आदरणीय सासू माँ, हम क्षमा याचना सहित कह रहे हैं कि आपकी नजरों में जैसे हमसे एक के बाद एक भूल होती चली गई, वैसे ही हम एक और भूल कर बैठे हैं। हम आपको बिना बताए कि घर छोड़ के जा रहे हैं। सासू माँ, आपका भरोसा हम नहीं कमा सके। आपके आशीर्वाद और प्यार के काबिल तो हम जरा भी नहीं हैं। आपकी थोड़ी और नाराजगी लेकर जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम इतने अभागे हैं, पर ऐसा ही है। हर रिश्ते को उसकी गरिमा के साथ निभाने में हम हमेशा असफल रहे और असफल ही होते चले गए। जब रिश्ते ही नहीं बचा सके तो हम यहाँ रहकर क्या करें? समर जी ने जैसे त्याग दिया, ऐसा लगा कि इस घर ने हमारा परित्याग कर दिया। सासू माँ, जब आप सभी ने तय कर लिया है कि हम इस घर में, मंदिर में, रसोई में और किसी भी कामकाज में शामिल नहीं हो सकते, इसकी इजाजत नहीं है और ना ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो यहाँ रहकर आखिर हम क्या करते? हमें माफ कर दीजिएगा सासू माँ कि हम बिना बताए घर छोड़ के जा रहे हैं, और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा है। लेकिन सासू माँ, हमारा ईश्वर जानता है कि हमने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई को ध्यान रखते हुए किया। हो सके तो आप लोग हमारी नादानी के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। सासू माँ, जब आप सभी ने यह तय किया है हमें घर के मंदिर में, रसोई में और कामकाज में शामिल नहीं होना है, इसकी इजाजत नहीं है और न ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो यहाँ रहकर आखिर हम क्या करते? जी सासू माँ। सच सच बताओ बड़को, छुटकी बहू घर के रसोई घर में नहीं जाएगी, पूजा घर में नहीं जाएगी, ये किसने कहा था? किसने ये फरमान जारी किया था कि वो घर का कोई काम नहीं कर सकती? ऐसे बुत की तरह का खड़ी हो, तुम ही से पूछ रहे हैं। सासू माँ, हम ही कहे थे छुटकी देवरानी को। वो काहे ना सासू माँ, वो कई कारनामा देख के हम अपने सामने उनको कैसे खड़ा होने दे पाते? ये सब चोरी चकारी की बात सुन के हमरा तो जी जला जा रहा था सासू माँ। हमरा तो मन कर रहा था कि उसको, अरे वाह, ठकनी सिखावे बुढ़ दादी को। तुम तो बहुत ज्ञानी हो बड़को, और वाह रे तुम्हारा मन, अब तो ये घर तुम्हारे मन से चलेगा, है ना बड़को? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम्हारे आगे दंडवत हो जाते हैं और तुम हंटर लेके सबको उसकी औकात दिखा देगा। बड़ा मजा आया आपको ना फरमान जारी करने में, तुम्हें ताकत मिले ना, तुम तो सबको फांसी पर चढ़ा दो। तुम्हारे आगे तो बड़े बड़े पानी भरेंगे बड़को, अब तो ये दिन आ गए हैं, ये घर अब तुम्हारे हुक्म से चलेगा। खबरदार बड़को,
एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर अपने मन से इस घर का कोई भी फैसला लिया ना, तो हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा फैसला ले लेंगे कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। और हाँ, अगर अपना भला चाहती हो ना, तो मन की बात मन में ही दबा कर हमारे बहुओं की सास बनने की हिमाकत भी मत कर। सांस लेना मुश्किल कर दे। अम्मा, अच्छा ना कि वो चली गई। हमसे पूछे बिना जो भी फैसला लिया जाता है वो गलत ही होता है। अभिनंदन, अभिनंदन, बुलाओ समर को। कहाँ है? दिवाली है, अब और वक्त नहीं हमारे पास। बस बहुत हो गया। छोटकी बहू ने जो बेशर्मी दिखाई है वो आज तक इस खानदान के किसी भी बहू ने नहीं दिखाई। बताओ, बिना सोचे समझे ऐसा फैसला? मुंह में कालिक पोत कर चली गई। अरे, सच का सामना करने के बखत मुंह छिपा के भाग गई। इतना माया दिखाने आता है ये तो हमें पता ही नहीं था। रोजे रोज नया रूप। हम आज समर के ससुराल में बात करके सारी बात साफ कर लेंगे। बुलाओ समर को। अम्मा, समर से मेरी बात हुई थी। वो छुटकी बहू को ढूंढने गया। उससे कह दो कि उसको ढूंढने की कोनो जरूरत नहीं है। अपने मन से जहन्नुम में गई है तो हम काय फिकर करें उसकी। जो बहू बिना सोचे समझे ऐसा फैसला ले ले, बिना बताए घर से चली जाए, हम काय फिकर करें उसकी। इतनी अमान है तो मान में आ जाएगी। अरे हम नहीं तो वक्त ले आएगा। लेकिन जो फैसला आज ली है ना, उसकी कोई माफी नहीं। बताओ, बिना सोचे समझे घर छोड़कर चली गई। इतना मजबूत कलेजा है उसका। अच्छा है, उन्हीं की वजह से देव भैया भी घर छोड़कर गए थे ना। पिछले साल भाई दूज के दिन देव भैया ने मुझे ब्रांडेड घड़ी गिफ्ट की थी, पर इस बार तो इनके चक्कर में मेरा घाटा ही हो गया। अरे अरे माँ, आप गुस्सा काहे हो रही? आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मैंने मन को शांत रखिए। हाँ अम्मा, अभी तो तबीयत खराब हुई थी ना आपकी, और अभी हमें कुछ नहीं होगा। अभिनंदन, हमने तुमसे जो बात कही है उस पर ध्यान दो। अम्मा, समर कह रहा था कि वो सिया को लेकर ही लौटेगा, वरना नहीं आएगा। अपनी मर्जी से गई है छुटकी बहू, इस घर में वापस आने से रही। समर को ये बात बोल दे। छोटी चाची को घर नहीं आने देंगी? बोलो ना मम्मी, छोटी चाची वापस आएंगी ना? समर चाचा वापस आएंगे ना? दादी ऐसा क्यों करती है मम्मी? पता नहीं बेटा, देख लिया कप्तान साहब आपने? हमने आपसे कहा था कि छुटकी बहू की सोच और विचारधारा सही नहीं। वो जिस हवा को इस घर में लेके आई है ना, वो हवा ही ठीक नहीं। आप कटीली झरबेरी के पेड़ पर आम के टिकोर देखना चाहते थे, देख लिया? बहुत तरफदारी करते थे ना आप छुटकी बहू की। अब देखिए उसकी करतूत।
घर परिवार, रिश्ता नाता, दुनिया समाज कुछ नहीं सोचा उसने एक कदम उठाने से पहले, और घर छोड़कर चली गई। अब आप समझे क्यों कहा है कि अब भी नहीं, या हमें अभी भी गलत समझ रहे हैं? अरे छोटकी बहू ने जो जुर्रत दिखाई है आज तक इस खानदान की किसी बहू ने नहीं दिखाई। अपना सर सामान लेके बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। अरे मलकिन, अभी भी आप सिया बहू को कोसती रहेंगी या अपने मन को एकाग्र करके ये सोचेंगी कि लोग ये घर छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? आपके बहुत सारे गिले शिकवे होंगे, लेकिन ये वक्त उसका नहीं है। हम आपकी सब बात सुनेंगे, लेकिन बाद में। अभी कहने सुनने का वक्त नहीं है, अभी वक्त है कि क्या करना है। हमने आपसे कहा था कि हालात बेकाबू होने से पहले आप दीनबंधु जी से बात कर लीजिए। अरे बेटा आदित्य, क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ? दादी, आप एक दिन सबको निकाल देंगे इस घर से? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई कहीं नहीं जाए। अभी तुम और रिमझिम फुलझड़ियों पटाखे के साथ दिवाली की तैयारी करो। जाओ। रुको एक मिनट बेटा, इधर आओ। बेटा, जैसे तुम क्लास में शैतानी करते हो और टीचर तुम्हें क्लास से बाहर कर देती है ना, वैसे ही हम। पापा, दिवाली पे सिया के घर जाना तो चाहिए, लेकिन मैं जब जब उसके घर गया हूँ कोई ना कोई धर्म संकट ही खड़ा हुआ है उसके लिए। मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना बड़ा त्योहार है, हमें से किसी को जाना तो चाहिए वहाँ। हम ऐसा करते, हम जाते, हम मिठाई लेके जाएंगे और इसी बहाने हम सिया से भी मिल लेंगे। अगर मम्मी जी होती तो वो भी यही कहती कि किसी ना किसी को तो जाना ही चाहिए। बात मम्मी के चाहने ना चाहने की नहीं है, सिया के ससुराल में एक अजीब सा तनाव है जिसे वहाँ कोई ठीक करना ही नहीं चाहता। अच्छा हुआ जो मम्मी नानी को देखने चली गई। देखना, अपने मायके से आके पहला सवाल यही करेंगे कि वहाँ गए कि नहीं, कैसी है सिया बिटिया, सब ठीक है ना? सच कहूँ बेटा, जाना तो चाहिए ही, पर क्या करें, सिया की जो सास है ना, बहुत मीन मेख निकालती। मैंने तो इच्छा भी जाहिर की थी बेटा, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि दिवाली के बाद आइएगा। लेकिन पापा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि दिवाली के बाद? पता नहीं बेटा, उनके तो जो जी में आता है कह देती हैं, और सिवाय सुनने के हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। और इतने रुआब और बेरुखी से उन्होंने ये बात कही कि आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं। अरे दामाद जी, अभी आपके ही बारे में बात हो रही थी। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए आइए। सिया बिटिया कहाँ है? मुझे तो लगा कि वो यहीं आई होंगी। नहीं बेटा, सिया अकेले कैसे आएगी यहाँ?
और ऐसी कोई बात भी तो नहीं हुई थी ना बेटा, कहाँ 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 चली गई वो? समर जी वो तो वहीं घर पे ही होगी ना, नहीं है क्या? बोलिए आप चुप क्यों हैं? शायद सिया का फोन हो। हेलो, नमस्ते समधी जी। हाँ नमस्ते समधन जी। समधन जी से हमारी बात करवाइए। अच्छा जी, वो अपनी माता जी के यहाँ गई हैं, उनकी तबीयत जरा खराब थी। ओह, काफी बुजुर्ग हूँ, उनका ख्याल रखना चाहिए सबको। ठीक है, जब वो आ जाएं तो उनसे कहिएगा कि हमसे बात कर लें, और तब तक छोटकी बहू से हमारी बात करवाइए। ये कैसी बात कर रही हैं समधन जी? बिटिया से तो आप बात कराती हैं, अगर वो खाली होती है तो। नौलखा जी, मेरी बिटिया अब आपकी बहू है, बहू की जगह मायके में नहीं ससुराल में होती है। वो वहाँ नहीं है तो? अगर मैं बिटिया को विदा करके लाया होता तो आपकी इस बात का कुछ दुख बनता। कहाँ गई फिर? आपने मुझे और चिंतित कर दिया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप बताइए कहाँ है मेरी बिटिया? वो मायके में नहीं है। अम्मा मैं हूँ यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ। बेटा तुम बता। अब देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सिया जी बिना बताए कहीं चली गई। और आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है? अरे समर जी, कोई बिना वजह ऐसे थोड़े करेगा। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग जानना चाहते हैं तो बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हम दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई, और सिया जी रूठ के कहीं चली गई। लेकिन मैं उन्हें लेने के लिए निकला हूँ, और मैं उन्हें घर वापस लेकर के ही जाऊँगा, भरोसा रखिए। अरे बेटा, सिया यहाँ नहीं आई है तो कहाँ गई होगी? कैसे चर्चा करूँगा तुम्हारी मम्मी से इस बारे में? एक तो ऐसी वो परेशान है अपनी माताजी की तबीयत खराब। नहीं पापा, मम्मी से भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, पहले हम ये पता तो करें सिया है कहाँ, हुआ क्या है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चुप चुप बोलिए, हमारी सिया को कुछ नहीं हुआ है, वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। प्रीति, हर समय मैं खुद को झूठा दिलासा नहीं दे सकता, और पापा मुझे तो समर जी की बात पे भी भरोसा नहीं हो रहा है। जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल उनके घर में मैंने देखा है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात हुई है उनके घर में, अपना ऐसे सिया घर छोड़ के थोड़े चली जाएगी। पापा भी लिवाने गए थे सिया को, पर उसने भी आने से मना कर दिया। ससुराल के अलावा और कहाँ जा सकती है सिया? टोटल 6 लाख की ज्वेलरी थी, 1.5 लाख दिया था, या बैलेंस 4.5 लाख है। धन्यवाद चाचा जी। चलो चलो।
हम आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। हमें मेहमान समझकर इस घर में बर्दाश्त कर लीजिए। लखनऊ जाइए, बैठे चले। लखनऊ 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 लखनऊ, चलो भाई जल्दी चलो, लखनऊ लखनऊ चलो 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 चलो। पीलो फटाफट, हाँ और पीओ फटाफट, खत्म कर दो। अरे कहाँ भाग रही हो, लो पियो। अच्छा ये बताओ ऊपर कौन कौन है? याप और पापा, ये पलपल चाचा, मंजरी चाची, अरे समर चाचा और छोटी चाची। तुम्हारी छुटकी चाची हो गई है गुलरी का फूल, जो कभी नहीं दिखता। तुम्हारी छुटकी चाची चली गई, अब नहीं आएंगी, समझी? ये लो दूध खत्म करो। आ गई तुम, आ जाओ। हेलो हेलो, हाँ मैं दिन बंधु बोल रहा हूँ, सिया के मायके से। सिया आ गई क्या? बात करवाइएगा हमारी। बाबूजी, हमरा मतलब सिया के पिताजी। नमस्ते। नमस्ते, हम गिन्नी बोल रहे हैं, ई घर की बड़को। और आप यहाँ फोन कर रहे हैं सिया के बारे में पूछने के लिए? हम तो आपे से ही फोन करके पूछने वाले थे। वो कहा है ना, छुटकी देवरानी को मायके निकले पहर निकल गया। अब तक तो पूरी दुनिया का परिक्रमा हो जाए तो पहुंची नहीं अभी तक? नहीं बेटा, लेकिन ऐसा क्या हो गया बेटा जो उसको मायके आना पड़ रहा है, बताओगी? आपको पता नहीं है यहाँ क्या हो गया? नहीं बेटा, तुम ही बता दो। क्या है ना बाबूजी, घर का चलन ना थोड़ा अलगे है। घर की बहुएं घर की बात कोनो मायके वालों को नहीं बताती है, जो बताती है सासुमा बताती है। आप सासुमा से पूछिएगा, ठीक है? लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, जो भी हुआ है ना यहाँ, बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। शर्मिंदा करने वाली बात? बेटा हेलो
की देवरानी रुखसत हो गई घर से। किसका फोन था बहू? छुटकी देवरानी के मायके से फोन था बाऊजी, उसी के बारे में पूछा जाची कर रहे थे। समर बेटा, कुछ पता चला? नहीं बाबूजी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं सिया जी कहाँ चली गई है बाबूजी। हेलो नियति, अच्छा सुनो, हम लखनऊ आ रहे हैं बहुत जल्द। सोचा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी करेंगे। समर बेटा, हमें कुछ याद आ रहा है। क्या बाबूजी? वो सिया बहू अपने किसी दोस्त नियति से लखनऊ जाने की बात कर रही थी। लखनऊ? रिमझिम इलो। माई रे माई, छुपके देवरानी के साथ ये घर के बाहर क्या कर रहा है? समाचार था चाची को लेने आए हैं। चुप! जब तक सिया जी इस घर से नहीं जाएंगे, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आप मुझे माफ कर सकती हैं? आप जानती हैं इन्हें? कहाँ हो? लड़की छेड़ रहे हो? सिया जी, आप सुन नहीं रही हैं। सिया जी, आप ऐसे नहीं जा सकती। प्लीज कुछ बोलिए। ये क्या तरीका है? चलती बस में किसी महिला से जबरदस्ती बात करेगा? अरे यार, शरीफ औरत को छेड़ा, मारो 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 इसे। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप चुप रहेंगे? छोड़िए छोड़िए इन्हें। आप जानती हैं इन्हें? पति हैं ये हमारे।
अरे व्यक्तिगत है तो चलती गाड़ी में काहे निपटा रहे हो, घर जाके काहे नहीं निपटाते? पति पत्नी का प्यार ऐसा ही होता है। चलो चुपचाप से बैठ जाओ। सिया जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं समर जी, आप ये सब कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। तो फिर आप चलिए मेरे साथ। सिया जी, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। ये लीजिए बलबल साहब, मैंने पेंसिल से निशान बना दिए हैं, आप इस हुंडी पे वहां वहां चिड़िया बिठा दीजिए, तब तक मैं आपके लिए पैसे लेके आता हूं। लीजिए बलबल साहब, आपका खजाना। वैसे आपने कागजात तो देख लिए थे ना? जहां जहां आपने पेंसिल से निशान बनाया था वहां वहां चिड़िया बैठा दी। चलिए अच्छी बात है, मैं ये पेपर देख लेता हूँ, तब तक आप पैसे गिन लीजिए। अब गिनने की कौन सी बात है? अरे गिन लीजिए बलबल साहब। शुक्ला जी, खुश रहो, ये लीजिए पूरा पैसा, अब हमको हमारा सीट दे के फिर आराम से जाइए। बलबल बाबू, ये पैसे वापस ले जाओ, कल विस्तार से बात करते हैं। विस्तार से? शुक्ला जी, पहले से बहुत विस्तार हो चुका है, आप पैसे कहाँ बतिया रहे? बैठो, बता दो। बलबल बाबू, सीट तो गई, वो राजेंद्र नगर के अरविंद बाबू भी सीट के लिए एडवांस देके गए। शुक्ला जी, हमारा आपका पुराना लेन देन है, कोनो चक्कर चलाइए ना। ठीक है, तुम ये पैसा यहाँ छोड़ जाओ, हम पार्टी अध्यक्ष से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सीट तुम्ही को मिले, बाकी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। शुक्ला जी, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते, और हमको ये सीट चाहिए। मैंने कहा हम कोशिश करें। अभी पैसा रखिए। शुक्ला जी, इस सीट हमें चाहिए, हम कोशिश करेंगे। सिया जी, बिना सोचे समझे पे इल्जाम लगा के बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। असल में मैं सोच ही नहीं पाया कि अम्मा की जिद तोड़ने के लिए अब इतने बड़े गुनाह को अपने सर पे ले सकती है। सच में आपको समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सिया जी। नहीं समर जी, हमने जो कुछ भी किया वो ये सोच के नहीं किया कि हम किसी की नजर में महान बन जाए। उस वक्त जो हमें सही लगा हमने बस वो किया, लेकिन Oh, my God.
अगर आप हम पे भरोसा नहीं करेंगे तो हमारी कोई पहचान ही नहीं होगी वहां पर। समर जी, आप ही बताइए, हमारे पाँव के नीचे से वो जमीन ही आपने खींच ली, तो हम कहाँ टिक पाते? अब बस, अब और कुछ मत कहिए सिया जी। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब कभी भी आवेश में आकर आपको गलत समझने की भूल नहीं करूंगा। वैसे भी हमें ये घर छोड़ के तो जाना ही है, तो जाने दीजिए हमें। हम घर जाकर किसी को गलत साबित नहीं करना चाहते। मैं आपको लिए बगैर घर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने सबको बोल दिया है कि आप नहीं तो मैं भी नहीं। चल रही हैं ना आप? हम घर सिर्फ एक शर्त पर जाएंगे कि घर जाकर कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाएगा। मंजूर है आपको? हेलो। हाँ पापा, हम सिया बोल रहे हैं। सिया बेटा? अरे बेटा, तुम कहाँ? बेटा क्या बात हुई, कहाँ चले गए थे तुम, बताओ। कुछ नहीं पापा, हम समर जी के साथ ही हैं। लेकिन बेटा, बता के तो जाना चाहिए था। सॉरी पापा, वो पापा, हम बेतियाता चले गए थे अपनी सहेली से मिलने, और सब अचानक से सोचने लगे कि हम कहाँ चले गए। बेटा, शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे बिना बताए नहीं जाते हैं कहीं। और ऐसी लापरवाही, तुम इतने साल हो गए थे यहाँ, तुम कभी बिना बताए कहीं नहीं गए। पापा, जब आप हमसे मिलेंगे ना, तो जी भर के डांट लीजिएगा हमें। और वैसे भी ससुराल जाकर बहुत डांट सुननी है हमको। एक बात करो सिया से। सिया, सच सच बताना, वहाँ क्या हुआ था? जो कुछ भी तो नहीं हुआ था, हम तो बस अपनी सहेली से मिलने गए थे, और कुछ नहीं हुआ था। देख सिया, हमें तुम्हारे यहाँ के हालात पता है, हम सब देख चुके हैं। अरे ससुराल में पापा की बात हुई तो पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें मायके आना पड़ रहा था। मुझे सच सच बताओ, क्या है वो बात? ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ। वो कोई गलत फहमी हो गई थी। लेकिन सिया, वो कौन सी बात थी जिससे तुम्हें इतनी नाराजगी हुई, जिसकी वजह से सबने समझ लिया कि तुम मायके चली गई? अरे बेटा लो, सब बातें भी कर लोगे क्या? लो प्रीति बेटा, तुम भी बात कर लो सिया से। भाई बहन की नोक झोंक तो चलती रहे। पापा ये तो ठीक है, लेकिन बात वो है नहीं जो सिया कह रही, बात कुछ और है जो बहुत बढ़ गई, और सिया सिर्फ बहाने बना रही। माँ जी, इन मूर्तियों को ऐसे ही ढका जाता है ना, और लक्ष्मी पूजन के टाइम हटाया जाता है। बिल्कुल सही मिन्नी, अच्छे संस्कार अच्छी किताब में नहीं, ऊंचे व्यवहार से आते हैं, जो तुम में देखकर अच्छा लगता है। छोटी चाची आ गई, सबर चाचा। छोटी चाची आ गई, सबर चाचा।
खबरदार जो इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की छोटकी बहू। खबरदार जो इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की छोटकी बहू। अम्मा भूल मुझसे हुई, मेरा किया फैसला सरासर गलत। सिया जी निर्दोष, इन्होंने इस घर की भलाई के लिए झूठ का सहारा लिया और मुझे पता है क्यों। और जो घर में चोरी हुई है वो मेहमान जी ने की होगी, है ना? वाह समर, ये छोटकी बहू हर बार तुम्हारे आंख में धूल झोंक देती, अपना माथा कारवा पे रख दिए हो, दिखाई नहीं देता है? पहले घर में चोरी, फिर बिना बताए घर से चले जाना और फिर आना, मतलब जब से छोटकी बहू इस घर में आई है नित नया आधी बवंडर आता रहता है। अम्मा सिया जी के आने के साथ सवारो दीदी और मनन जी भी तो यहाँ आके रहने लगे। आके रहने नहीं लगे, सवारो इस घर की बेटी है। तो अम्मा सिया जी आपकी बेटी से भी बढ़ती है। क्योंकि इन्होंने आपके लिए वो किया जो आपकी बेटी सोच तक नहीं सकती। अम्मा आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर सब कुछ जानबूझ के आप इसे नजरअंदाज कर देना चाहते हैं? समर, इकाम माँ से पक पक मचाया है। बड़का तुम्हारा नया नया बिया हो गया है, पर तो बुद्ध के भ्रष्ट कह दे इनका माँ आई, जो मुंह में आ रहा है पके जा रहा है। बलबल भैया आप प्लीज चुप रहिए, मैं अम्मा से बात कर रहा हूँ। समर हमारे सामने ना ज्यादा बहको मत, और अम्मा ने जो एक बार ऐलान किया है उस पे उंगली उठाने की कोशिश मत करो। और मैडम जी पे जो चोरी का इल्जाम लगा है उसके लिए यहाँ हाईकोर्ट सजाओ मत, समझे? भैया इतनी जल्दी घोषणा कर देना सही नहीं, और आप इस मामले को जितना आसान समझ रहे वो इतना आसान नहीं था। और रही बात पैसे चुराने की, तो चोर कौन है एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा। और जो महारानी जी घर छोड़कर चली गई, इस करतूत का क्या तोड़ है तुम्हारे पास? अम्मा वो करतूत नहीं थी, इनकी मजबूरी थी। ये भी क्या करती, जब मैंने कह दिया था कि जब तक ये इस घर में रहेंगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और सिया जी नहीं चाहती थी कि मेरी अनुपस्थिति की वजह से इस घर की दिवाली बर्बाद हो। वाह रे समर, तुम तो छोटकी बहू के रट्टू तोता हो गए। इस घर में ऐसा क्या बदतर हो गया है जिसको छोटकी बहू बेहतर बनाने वाली है? पिछले 7 पुश्त में घर की कोनो और बहुरिया ने इतना बदतर न किया होगा जितना ही कर गई। और जब घर की बहू ही ना बिना बताए घर छोड़कर चली जाए तो उसे वापस लाने का हमारा कोई इरादा नहीं। अब इसके बारे में बात इसके पिताजी से बात करने के बाद ही होगी। आप बात कर लीजिए, लेकिन फिलहाल मेरा फैसला ये है कि जहां सिया जी रहेंगी मैं वहीं रहूंगा। बाकी आप तय कर लीजिए क्या करना है। चाचू चाचू, दादी के घर में चाची के लिए जगह नहीं है, वो हमारे घर पे रह सकती है। आज छोटी दिवाली है, हम लोग ने घर बहुत अच्छे से सजाया, आपको दिखाने के लिए। चलिए ना चाची, हमारा घर देखिए ना।
चाचू दिया जलाइए। देखा अभिनंदन, पराए घर की लड़की की सोहबत का असर। समर कितना बदल गया, अपनी अम्मा से सौदा कर रहा, शर्त रख रहा, बीवी के बहकावे में आकर अपना ही घर छोड़ के जाने की धमकी दे रहा। ससुमा, बहुत ही उल्टा जमाना आ गया है। हम तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। बड़को, ज्यादा शास्त्र मत बतियाओ। जब तक कहे ना मुंह सी के ही रखा करो, दिमाग गरम ना करो हमारा। वैसे ही समर ने मन खट्टा कर दिया है। जी में तो आया कि एक बार बोल दे कि चले जाओ, जहां जाना हो। सबको हैरान करके रखा है, किसकी वजह से आज इतना नीचा देखना पड़ रहा है। अम्मा, ऐसी कोनो बात नहीं, ये भी तो जरूरी नहीं है कि समर ने इतना सब कुछ सोच समझ के ऐसा किया। और अम्मा, उसको हम बचपने से जानते हैं, आपके लिए वो कौनों से कहीं पे भी लड़ जाता है बिना आगा पीछा सोचे। वो आपके अपमान के बारे में कैसे सोच सकता है। और अम्मा, समर तो बचपने से हठीला है, ये ले तो छुटका पेट पोछना लड़का समझ के सब उसको स्नेह करते हैं। अरे, पेट पोछना लड़का है तो का कुछ भी करेगा, हमें ही आंख दिखाएगा। अम्मा, अब आप ही सोचिए, छुटकी बहू आज घर से चली जाती तो घर के माहौल पे असर पड़ता ना। का होता, हाँ का होता। कुछ नहीं होता अम्मा, का हो जाता, आपके रहते का हो सकता। गिन्नी, तुम जाकर दिवाली की तैयारी करो, हम अम्मा को लेकर अभी आते हैं। रे माई, वाह रे महतारी बेटा का दुलार। आज तो सत्यानाश ही हो गया भाई। दोनों ने बाउंसर बॉल पे सिक्सर मार दिया और गेंद आपकी सासू माँ के सर के ऊपर से निकल गई, हाथ मलती रह गई। तो क्या हुआ? सिया को क्लीन बोल तुम ही करोगी। मिन्नी, इससे पहले सुगुआ की ठोर पर दाना पानी का स्वाद चढ़े,
और इनके प्यार के झूले की पेंग बढ़े, झपट कर कब्जे में कर लो, समझी? ठीक है? और वो ब्रेसलेट अचार डालने के लिए दिए हैं। अरे झट से मौका देख के पट से दे डालो सुमर पप्पा, और ठग लो नैनो से नैना, समझी? समाजी, आपको ऐसी शर्त रखने की क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत है सासू माँ को इतना दुखी करने की? और वैसे भी समर जी, हमें ये घर छोड़ के तो जाना ही है ना, तो फिर चाहे हम सबकी निगाह में दोषी होके जाए या फिर निर्दोष होके जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सिया जी, आप इस घर से लांछन और अपमान के साथ नहीं जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपने इस घर के लिए इतना कुछ किया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जब भी इस घर से जाएंगे पूरे सम्मान के साथ जाएंगे। मैं गोलघर गई थी शॉपिंग करने के लिए, वहां एक चीज देखी बहुत खूबसूरत लगी तो वो सोचा ले लूं। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट क्रिकेटर के लिए गिफ्ट। ये तो वाकई में बहुत अच्छी है। अरे सिया जी, सिया जी, ये देखिए अच्छी है ना? समर जी, ये तो बहुत प्यारा है, ऐसा लगता है कि मानो आप ही के लिए बना हो। वैसे हम यही ब्रेसलेट खरीदने वाले थे आपके लिए, उस दिन जब किन्नी दीदी के साथ शॉपिंग के लिए गए थे, मगर हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, इसीलिए नहीं खरीद पाए। बड़ी अजीब बात, आप यही मेरे लिए खरीदने वाली थी और पैसों की वजह से अब मिनी तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी प्लीज? कॉस बोलो ना, बाय गॉड। तुम ये जहां से लाई हो इसे प्लीज वापस कर दो। और वैसे भी इतना महंगा गिफ्ट मुझे देने की वजह नहीं बनती, और मैं चाहता हूं कि जब ये गिफ्ट सिया जी मुझे देना चाहती थी तो वही। अब तो ये गिफ्ट मैं तभी लूंगा जब सिया जी मुझे लाके देंगे। ऑफ कोर्स मैं वापस कर दूं।
चाची, तो चाची हम लोग साथ में दिवाली मनाते हैं। दिया था लेकिन उसने वापस कर ये बोल के सिया उसे क्या काहे ये कैसे कह सकते हैं समर पापा जी क्योंकि आप उन्हें समझ ही नहीं पाई इन दोनों के बीच चुंबक लगा है और आप कुछ नहीं कर सकती सिया और समर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये बात जान चुके हो इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता पागल हो गई हो क्या ये नहीं हो सकता इन दोनों एक नाव के सवार नहीं बन सकते और हम बनने नहीं देंगे अपनी बहन का सपना तोड़ दोगी और अपनी मोहब्बत छोड़ दोगी ऐसे ही हार मान के निकल लोगी दीदी या तो इन दोनों के बीच कोई रिश्ता होता नहीं या तो टूट गया होता तो मैं कुछ करती भी अभी तो मैं कुछ करूंगी तो मुझे खुद ही शर्म आएगी मुझे इस घर की बहू बनाने का सपना देखना छोड़ दो आप नहीं हो सकता ये सिया और समर को कोई अलग नहीं कर सकता अम्मा का बलबल अम्मा दिवाली मुबारक हो जियो जागो अरे शाम को लक्ष्मी पूजा के बखत इकट्ठे पैर छू लेते नहीं अम्मा हमको ना आपकी बहुत चिंता हो रही थी इस समर के मन बढ़ाई की वजह से अम्मा आपका कितना मन व्यथित हुआ है पूरी रात अम्मा ये सब सोच सोच के ना हमको नींद नहीं आई यही खातिर अम्मा बिहने सवेरे हम उठे और आपके लिए साड़ी और बाबूजी के लिए एक कुर्ता पैजामा और एक शॉल ली ताकि हमरे अम्मा को ही ना ठाटस हो उनके सब लड़के नालायक हैं अरे वाज बड़ा सुग्घर साड़ी इस तरह से तुम झरझर वाली से भागते अपराते रहते हो ना हमें तो लगा था कि तुम्हें और ताना पसंद के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा लेकिन नहीं बहुत अच्छा साड़ी और हाँ ये ले जाके अपने बाबूजी को दे दो वो स्टडी में होंगे ये देख के उनका मन गदगद हो जाएगा बलबल भैया के लिए कुछ नहीं लाए बलबल कल तुम जानकी दास के यहाँ हुंडी पे दस्तखत करके पैसा उठाए हो का? हुंडी पे दस्तखत ये सच है बलबल तभी हम कल से अचरज में थे कि काहे इतना अम्मा अम्मा हो रहा है काहे अम्मा के प्रति इतना छोर सुझा रहा है अम्मा आप वो ई लोगन के बात को गंभीरता से ले रही हैं अम्मा घरे में इतना दिन से बवाल की चाहिन सब मचा था तो हम सोचे कि विधायकी का जो सीट है हमारे हाथ से निकल न जाए तो वही खातिर हम थोड़ा मेहनत किए और जर जुगाड़ करके कैसे ले दे के थोड़ा और पैसा को मतलब अच्छा? तो तुम पैसा के लिए कुछ भी करोगे बलबल बिना पूछे हुंडी पर दस्तखत कर दिए तुम भी ना समर से कोनो मामले में कम नहीं हो हम तो कहेंगे उससे चार कदम आगे ही हो बलबल भैया
इस घर में बस एक आप ही नहीं है, और भी लोग हैं। और ये जो मनमानी किए है ना, तो जान लीजिए जानकी दास का कर्जा अम्मा नहीं चुकाएंगी। ऐसा मारो अम्मा का ना, तू जुबान और मुंह मत बनो, समझी? और जो तुम्हारा मुंह है एक बंद रखो, नहीं तो एक बार अगर माता सरक गए, कसम बता रहे तुम्हारी मैं। क्या क्या करेंगे आप? मारेंगे आपको, हाथ उठाएंगे हम पर, या फिर छिटवा के बाहर फेंक देंगे, क्या कर लेंगे आप? फेंक दे बल बल, ये तरीका है बहन से बात करने का? हाँ, और का गलत कह रही हो, मैंने कर्जा तुम ही लिया हो ना, तो तुम ही चुकाओगे। हमारी तरफ से एक नए की उम्मीद मत करना, समझे? भैया घरे पे आपका तो एक छत्र राज है, इतना भी गैर कोई तरीके से नहीं बोलता है, लेकिन आपको आजकल देख रहे हैं कि आप ना बड़ा महीनी खेल रहे हैं हमारे साथ। और अगर ऐसी बात है तो आज एक बात कान खोल कर आपको सुन लीजिए कि बलबल ने कोनो चने का छीमी नहीं है कि मुट्ठी में लिया मसाला और फूका पूरी के। अगर आप हमें ना पराया करेंगे तो हम आपको इतना पराया कर देंगे कि सारा रिश्ता नाता ना भूल जाएंगे हम।